हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका क्रेजी फॉर बॉलीवुड में। मैं शुभांगी लेकर आई हूं आज की 10 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। दुबई के बुर्ज खलीफा पर अपना नाम देखकर खुशी से झूमे बर्थडे बॉय शाहरुख खान। जी हां, शाहरुख खान के जन्मदिन के खास मौके पर न केवल इंडिया से बल्कि दुबई से भी किंग खान को ढेर सारा प्यार मिला। दरअसल शाहरुख के 55th बर्थडे पर दुबई का बुर्ज खलीफा उनके रंग में रंगा नजर आया और अपने रंग में बुर्ज खलीफा को रंगा देख खुश शाहरुख भी खुशी से झूम उठे। आपको बता दें कि शाहरुख ने दुबई में अपनी फैमिली और कुछ दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और सोशल मीडिया पर शाहरुख के बर्थडे के पिक्चर्स और वीडियोस खूब वायरल हो रही हैं। अगले साल जनवरी में शूट होगी अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे। जी हाँ, ताजा इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अक्षय कृति सेनन आने वाली जनवरी से इस फिल्म का काम शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें कि फिल्म की शुरुआती स्केड्यूल की शूटिंग जैसलमेर में होगी। इससे पहले फिल्म पर मई 2020 में काम शुरू होने जा रहा था, लेकिन कोरोना के चलते इसे टाल दिया गया। और खबरों के मुताबिक फिल्म की शूटिंग किसी सेट पर नहीं बल्कि रियल लोकेशंस पर की जाएंगी। पहला शूटिंग स्केड्यूल टीम के लिए मैराथन स्केड्यूल साबित हो सकता है, क्योंकि ये करीब 60 दिन का स्केड्यूल होगा जिसमें फिल्म का मेजर हिस्सा शूट होगा। और बताया जा रहा है कि करंट हालातों को देखते हुए सेट पर डॉक्टर्स की भी व्यवस्था की गई है। प्रभास और सैफ अली खान की मच अवेटेड फिल्म आदि पुरुष में एंट्री कर सकती है एक्ट्रेस कृति सेनन। जी हाँ, तानाजी द अनसंग वॉरियर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म आदि पुरुष के चलते लगातार सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में बाहुबली फेम प्रभास लीड रोल में होंगे और वहीं कुछ दिनों बाद फिल्म में सैफ अली खान की भी एंट्री हुई थी, लेकिन ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में अब लीड एक्ट्रेस के लिए कृति सेनन का नाम सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कृति सेनन फिल्म में माँ सीता का किरदार निभाती नजर आएंगी। डायरेक्टर ओम राउत ने हाल ही में कृति को स्क्रिप्ट सुनाई और वो उनके कैरेक्टर से काफी इंस्पायर्ड हुए। हालांकि कृति को स्क्रिप्ट पसंद आई है, लेकिन इस पर साइन करना भी बाकी है। फिल्म की पूरी स्टार कास्ट को लेकर जल्द ही एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी की जाएगी। शाहरुख खान के 55th बर्थडे पर आमिर खान ने शेयर किया इमोशनल मैसेज। जी हाँ, शाहरुख के चाहने वालों के साथ साथ उनके साथ काम करने वाले स्टार्स ने भी उन्हें बर्थडे की विशेष दी और इन स्टार्स में आमिर खान का नाम भी शामिल था। आमिर ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लेकर शाहरुख के लिए दुआएं मांगी। आमिर ने अपने पोस्ट में लिखा, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे शाह, मे गुड हेल्थ ऑलवेज बी विद यू, एवरीथिंग एल्स यू हैव ऑलरेडी अर्नड एंड विल कंटिन्यू टू अर्न, मे यू कंटिन्यू टू ब्रिंग जॉय हैप्पीनेस एंड होप टू मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द ग्लोब मी इंक्लूडेड, लॉट्स ऑफ लव आमिर। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के लिए दिवाली के बाद इंटेंस एक्शन सीन की शूटिंग करेंगे संजय दत्त और अजय देवगन। अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा और संजय दत्त स्टारर फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया इस साल रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के वजह से इस फिल्म का काम प्रभावित हुआ। हालांकि वही फिल्म के कुछ हिस्सों को अभी भी शूट किया जाना बाकी है और फिल्म के कास्ट और क्रू मेंबर्स दिवाली के बाद एक बार फिर से फिल्म की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय, संजय, शरद केलकर और एमी विर्क 12 दिनों के स्केड्यूल में इंटेंस एक्शन सीन्स की शूटिंग करेंगे। ड्रग्स केस में फंसने के बाद दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश ने दिया अपना इस्तीफा। जी हां, दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश ने ड्रग्स केस में फंसने के बाद टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वांट से इस्तीफा दे दिया है। एजेंसी से जुड़े सूत्रों ने बताया है, करिश्मा अब एजेंसी के साथ काम नहीं कर रही हैं। 21 अक्टूबर को उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। दीपिका पादुकोण और दूसरे एक्टर्स के साथ उनका जुड़ाव क्वांट की कर्मचारी के तौर पर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से इन एसोसिएशन को तोड़ दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीबी का समन मिलने के बाद से करिश्मा लापता है और सोमवार को एनसीबी के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि भी की। अधिकारी के मुताबिक करिश्मा को 27 अक्टूबर को सवाल जवाब के लिए जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था और अब उन्हें नया समन भेजा है, क्योंकि वो लापता है, इसलिए समन उनकी मां मिताक्षरा पुरोहित के हाथ में दिया गया है। जाने माने राइटर जावेद अख्तर ने कंगना रनौत के खिलाफ किया मानहानि का केस। जी हाँ, जावेद अख्तर ने एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का केस फाइल किया है। असल में कंगना रनौत ने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू के दौरान ये दावा किया था कि जावेद अख्तर ने उन्हें अपने घर बुलाकर धमकी दी थी कि वो ऋतिक रोशन वाले मामले पर ज्यादा ना बोले, नहीं तो उनका करियर खत्म कर दिया जाएगा। कंगना ने बताया था कि जावेद अख्तर ने उन्हें अपने घर पर चर्चा के लिए बुलाया था और ये धमकी दी थी। अब जावेद अख्तर ने कंगना के इस बयान को बेबुनियाद बताया है और इसे आधार रखते हुए कंगना के खिलाफ केस दर्ज किया है। कोरोना वायरस का शिकार हुए नसरुद्दीन शाह के बेटे विवान शाह। ताजा रिपोर्ट्स की माने तो बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नसरुद्दीन शाह के बेटे विवान शाह भी कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं।
रिपोर्ट्स की माने तो पिछले काफी दिनों से विवान की तबीयत ठीक नहीं थी और उनके अंदर कोरोना के सिम्टम्स भी देखे गए, जिसके बाद तुरंत उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया और रिपोर्ट्स आने के बाद ये क्लियर हुआ कि विवान कोरोना पॉजिटिव हैं। और जैसे ही इस बात की खबर विवान को लगी तभी से वो आइसोलेशन में चले गए हैं। इस समय विवान का इलाज चल रहा है और डॉक्टर्स द्वारा दी गई सभी दवाइयों का ध्यान पूर्वक सेवन कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण को पछाड़ एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर बनी इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली इंडियन सेलिब्रिटी। जी हां, श्रद्धा कपूर इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली इंडियन सेलिब्रिटीज में से एक बन गई हैं। इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की इस लिस्ट में श्रद्धा का नाम पहले चौथे स्थान पर शुमार था, लेकिन श्रद्धा कपूर ने हाल ही में दीपिका पादुकोण को पछाड़ अब तीसरे स्थान पर अपना कब्जा कर लिया है। फिलहाल इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली हैं, जिनके 82.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। विराट के बाद प्रियंका चोपड़ा जोनस जो 58.1 मिलियन के साथ दूसरी पोजीशन पर हैं, जहां दीपिका पादुकोण 52.3 मिलियन के साथ तीसरी पोजीशन पर थी। वहीं श्रद्धा ने अब 56.4 मिलियन के साथ दीपिका को पछाड़ थर्ड पोजीशन पर अपना कब्जा जमा लिया है। बॉयफ्रेंड जैद दरबार के साथ फिक्स हुई एक्ट्रेस गौहर खान की वेडिंग डेट। जी हां, एक्ट्रेस गौहर खान की शादी की चर्चा जोरों पर है। पहले खबर थी कि गौहर और जैद नवंबर में शादी करने वाले हैं, लेकिन अब ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक गौहर खान का निकाह उनके बॉयफ्रेंड जैद दरबार से दिसंबर में फिक्स हो गया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जैद और गौहर 24 दिसंबर को शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस कपल की शादी का फंक्शन मुंबई के होटल में होगा। ये सेलिब्रेशन 2 दिनों तक चलेगा। खबरों के मुताबिक पिछले दिनों गोवा वेकेशन से लौटे जैद और गौहर ने अपने प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए शहर का विजिट किया था। हालांकि अभी जैद और गौहर ने अपनी शादी की अनाउंसमेंट ऑफिशियल नहीं की है, लेकिन वहीं हाल ही में गौहर ने भी इन खबरों को डिनाई कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से इनकी शादी की खबरें खूब तूल पकड़ रही हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।